हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स मींस द पार्ट ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद फ्लूइड्स एट रेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग मोस्टली पढ़ने वाले हैं अबाउट गॉज प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल की वर्ड्स को जानने की जरूरत है। पहले हम वो सब की वर्ड को जान लेंगे। पहला हुआ फटीज ए फ्लूइड। फ्लूइड हम किसको कहेंगे? फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, ए मैटर विच कैन फ्लो। इट मे बी ए लिक्विड, इट मे बी ए गैस। ठीक है ना? सो फ्लूइड इज ए लिक्विड और ए गैस जो कि फ्लो कर सकता है। ये फ्लूइड इज नथिंग बट ए लिक्विड और गैस को हम कहेंगे फ्लूइड जो कि फ्लो कर सकता है। ठीक है, दूसरा टर्म जो आप लोगों को जानकारी में होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड क्या होता है और डेंसिटी ऑफ ए मैटर क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जो आप जानते हो जो होता है किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में होता है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है। सेंटीमीटर क्यूब को अक्सर हम लोग सीसी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। और आपको यह भी मालूम होगा कि 1 kg per meter cube is equal to 1000 ग्राम पर cc is same as 1000 kg per meter cube। और बहुत ही पॉपुलरली हमें जरूरत पड़ेगा इसमें कि हमारा जो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर cc। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सब चीजें आपको याद रखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, अक्सर क्वेश्चन आपके देखोगे कि रिलेटेड टू वाटर आएंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, दैट इज 1000 kg per meter cube। जितने सारे फ्लूइड्स है उसमें आप देखोगे मेजरली जितनी ऑयली सब्सटेंसेस है दे आर हैविंग ए डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। ये तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेशर, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉज प्रेशर। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। पहला क्वेश्चन हुआ, इफ इक्वल मास ऑफ टू लिक्विड्स विथ डेंसिटीज ρ1 and ρ2। मैं डेंसिटी को रो लिखूंगा, आपकी बुक में शायद डी लिख रहा है, मैं रो लिखूंगा। ρ1 and ρ2 आर मिक्स्ड। व्हाट विल बी, यह हमें जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल करते वक्त, इसीलिए मैं बता रहा हूं। व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन ऐसे जाएगा, दो लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी ρ1 and ρ2 है, दोनों का बराबर मास दिया गया है ना, दोनों का बराबर मास दिया गया। तो आप क्या कहोगे, लेट m मास, m इज मास ऑफ इच लिक्विड, मास ऑफ इच लिक्विड, देन v1 वॉल्यूम ऑफ फास्ट लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, सो इट इज मास बाय डेंसिटी। ठीक है ना? सिमिलरली आप कहोगे कि v2 वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड कितना हो जाएगा, इट इज m बाय ρ2। ये आपको समझ में आ गया। फॉर मिक्सचर, जो मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, टोटल मास क्या हो जाएगा, इसका मास m है, उसका मास m है, दोनों का मास मिल गए तो बन गया 2m। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम, मिक्सचर है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होता तो वॉल्यूम बदल जाता, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका कुछ वॉल्यूम था, उसका कुछ वॉल्यूम था, दोनों मिल गए तो टोटल वॉल्यूम इज v1 प्लस v2
थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इट इज m बाय रो 1 प्लस m बाय रो 2 m बाय रो 2 नाउ यू नो द टोटल मास थोड़ा सुंदर से लिखेंगे इट इज यू नो द टोटल मास एंड टोटल वॉल्यूम टोटल मास क्या है m बाय रो 1 प्लस m बाय रो 2 टोटल वॉल्यूम क्या है v1 प्लस v2 आप लोग बड़े बच्चे हो इतना ज्यादा डिटेल्स में बोलने की जरूरत नहीं है समझ में आ रहा होगा इसलिए मैं जल्दी-जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूं एक बार आपको मिक्सचर का टोटल मास और टोटल वॉल्यूम पता चल गया टोटल मास और टोटल वॉल्यूम पता चल गया तो आप बहुत ही आसानी से इसकी डेंसिटी बता सकते हो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा इट इज टोटल मास 2m by total volume m by rho 1 plus m by rho 2 और आप सिंपलीफाई कर सकते हो करोगे तो मिलेगा twice of rho 1 rho 2 by rho 1 plus rho 2 ये हो गया आपका density of the mixture क्या ये simple question सबको समझ में आया total mass by total volume is the है ना बहुत बढ़िया simple सा चीज है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन में हम लोग देख लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखना चाहते हैं इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ Densities rho 1 and rho 2 are mixed. What will be density of the mixture? Density of mixture. Mixture का density क्या होगा? I hope आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता के दोगे Please try to find out. Procedure is the same. Find the total mass, find the total volume. Then find total mass by total volume. That is the equivalent density. Do it now. Let us see. V is volume of each liquid. So M1 mass of First liquid, mass of first liquid कितना होगा भैया? Now you know density is mass by volume. Mass कैसे निकलेगा? Density into volume. तो हम कहेंगे it is rho 1 into V M2 mass of second liquid. Systematically करोगे तो फटाफट बन जाता है. Rho 2 V. तो क्या हो गया? Total mass. It is M1 plus M2 एक है row 1 भी एक है row 2 भी तो भी गया common क्या हो गया row 1 plus row 2 total volume it is इसका भी है उसका भी है मिलके हो गया 2 भी तो density of the mixture total mass by total volume V into row 1 plus row 2 by 2 भी देखो हमारे बच्चे कितने जल्दी-जल्दी आंसर बनाते हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 हो गया हमारा डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमारे पास आ गया अच्छा सोचो एक ग्लास पानी में अगर एक चम्मच चीनी मिला लेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा सेम रहेगा व्हाट हैपेंड टू द डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम रिमेनिंग से मास है तो आपको जानकारी तो है ठीक है नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे प्रेशर कीवर्ड प्रेशर एट ए पॉइंट इज Defined as the normal force को otherwise कहते हैं thrust
थ्रस्ट कहते हैं, हाँ, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। क्या मतलब है? मतलब है सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक स्लैब है, ये स्लैब का ये फ्लोर पे रखा हुआ है, दिस इज केप्ट ऑन ए फ्लोर एंड इट इज कवरिंग एन एरिया ए। अब इसके ऊपर हम कोई फोर्स दे रखे हैं एफ, तो इट इज क्रिएटिंग सम प्रेशर ऑन द फ्लोर, है ना। एग्जांपल में क्या कहेंगे? प्रेशर ऑन द फ्लोर इज नथिंग बट इट इज फोर्स। कितने सरफेस पे आ रहा है? इतने सरफेस पे आ रहा है फोर्स। कितना एरिया पे आ रहा है? ए एरिया पे आ रहा है, एफ बाई ए। यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अदरवाइज हम कहते हैं पास्कल, इसको कहते हैं और पास्कल। यहां पे आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। कभी कभार पीए लिखते हैं, इसको समझ में आ जाता है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त लेंगे 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, इनको टेक दिस डाटा। तो प्रेशर क्या है हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया तो बताओ, छोटा सा एक क्वेश्चन देंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई एक कोनिकल फ्रस्ट्रम है, ये कोनिकल फ्रस्ट्रम है, ऐसे रखा है जमीन पे, ऐसे रखा है, अच्छा। अब सेम कोनिकल फ्रस्ट्रम को उल्टा पोजीशन में रखे हैं, थोड़ा सोच के बताना बेटा, सेम कोनिकल फ्रस्ट्रम को उल्टा पोजीशन में रखें। ये मान लो कि केस वन है, ये केस टू है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द सेम कोनिकल फ्रस्ट्रम इज केप्ट इन टू डिफरेंट पोजिशंस, स्केप इन टू डिफरेंट पोजिशंस ऑन ए फ्लोर, दी रेडियाई एट द टू एंड्स आर आर एंड टू आर। मतलब ये है कि यहां पे आपका रेडियस कितना है? टू आर, और यहां पे रेडियस कितना है? आर, ठीक है। इस केस में रेडियस है टू आर, इस केस में रेडियस है आर, ठीक है। पूछा क्या? पूछा है फाइंड रेशियो ऑफ प्रेशर इन ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर इन द टू केसेस, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑन द टू केसेस, यहां पे कुछ प्रेशर दे रहा होगा, रखा है तो कुछ फोर्स में एरिया होगा प्रेशर, है ना। पूछा है बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस, दोनों केस में आपको प्रेशर का रेशियो बताना है। चलिए आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है, मैं जानता हूं कि आप लोग पक्का कर लोगे। चलिए मैं बनाता हूं, ये फ्रस्ट्रम का कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा, सेल्फ मास ही एम। क्या बता सकते हो ये फ्लोर पे ये कितना फोर्स दे रहा होगा? जितना इसका वेट है कितना? mg। यहां पे भी mg, फोर्स दोनों केस में बराबर है, बट एरिया डिफरेंट है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे? प्रेशर इन द फर्स्ट केस
इज mg बाय एरिया। क्या है एरिया यहाँ पे? अगर रेडियस यहाँ पे r है, फर्स्ट केस में रेडियस नीचे क्या है, r है, तो पाई r स्क्वायर। p2 कितना था है? mg बाय एरिया हियर, इसका रेडियस कितना है, 2r है, पाई इंटू 2r का स्क्वायर। सर्किल का एरिया तो सब पता है ना, तो क्या मिल गया आपको p1 बाय p2 क्या आ गया? देखो तो ये हो गया ये p1 बाय p2 इज 4 बाय 1। क्या सबको समझ में आया? सिंपल सा चीज तो है। चलिए अगला पॉइंट, प्रेशर क्या है हम लोग समझ गए। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द की पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज गॉज प्रेशर। ठीक है, गॉज प्रेशर किसको कहते हैं? अभी मैं चैप्टर में घुसा नहीं हूं, अभी मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूं। गॉज प्रेशर लिखेंगे, गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। कोई फ्लूइड के लिए किसी पॉइंट में अगर कुछ प्रेशर होता है, तो सॉलिड था, कोनिकल सिस्टम में सॉलिड, सॉलिड के लिए प्रेशर हो रहा था। कोई कहीं पर लिक्विड रखा हुआ है, कुछ गैस रखा हुआ है, उसके चलते जो प्रेशर आ रहा है उसको हम कहेंगे गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। ठीक है, लगे हाथ। और भी एक चीज बता देते हैं, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट सरफेस, सरफेस का ए स्क्वायर हो गया है, दैट सरफेस ऑफ लिक्विड व्हिच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर और वैक्यूम, उसको हम फ्री सरफेस कहेंगे। वैक्यूम में दो ठो यू होता है, वैक्यूम का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, वैक्यूम। ठीक है, ठीक है, तो फ्री सरफेस किसी लिक्विड का किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि एक लिक्विड कंटेनर है, दिस इज व्हाट इज ए बीकर, ये बीकर में कुछ पानी रखा है, दिस सरफेस एरिया इज द फ्री सरफेस एरिया, जो कि एयर के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, उसको हम कहेंगे फ्री सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया। नाउ वी शैल मेक सम डेरिवेशंस। तो गॉज प्रेशर का मतलब क्या? प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड एट ए पॉइंट। फ्री सरफेस क्या? दैट सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड व्हिच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मैं जस्ट नामकरण कर रहा हूं। ठीक, आगे वी वॉन्ट टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ गॉज प्रेशर due to a static fluid at a depth h below the free surface, below the free surface। ये हम निकालना चाहते हैं, ये एक theoretical point है। free surface से h नीचे किसी एक फ्लूइड का गॉज प्रेशर कितना होता है, थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश करना। आपके स्कूल में डेरिवेशन आता है, तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक लिक्विड कंटेनर जिसमें कुछ लिक्विड है। क्या है डेंसिटी लिक्विड का? रो। ये छोटे मोटे चीज नहीं लिखूंगा, रो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये उल्टा पुल्टा नहीं लिखने वाला, आपको समझ में आ रहा है। मुझे यहां पे पता करना है व्हाट इज द गॉज प्रेशर, क्या पे एट ए डेप्थ एच बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हमें पता करना है कि यहाँ पर गॉज प्रेशर कितना है। ये जो लिक्विड है उसका भी अपना वेट है, वेट के चलते यहाँ पर प्रेशर पता करना है। कौन सा लिक्विड के लिए? ध्यान रहे, हम बात कर रहे हैं स्टैटिक लिक्विड का।
अगर ये लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो प्रेशर विल बी डिफरेंट। नदी में पानी चल रहा है, आपको प्रेशर पूछा गया, इट विल बी डिफरेंट। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स का, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर का जो फॉर्मूला आता है, हाइड्रोडायनेमिक्स में प्रेशर का वही फॉर्मूला नहीं आता है। जैसे मैं बता दूं आपको, तो पढ़ लिखे हो अभी, चैप्टर एग्जाम भी दे चुके हो, सेम लेवल में प्रेशर बराबर होता है। किसमें? स्टैटिक में। अगर लिक्विड रेस्ट में है तो, लिक्विड फ्लो में है तो सेम लेवल में भी प्रेशर अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोस्टैटिक्स आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स, उनका कोई तालमेल नहीं है। बात कर रहे हैं हम लोग गॉस प्रेशर का यहाँ पे। कैसे पता करेंगे? एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, देखेंगे इसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, फोर्स पे एरिया है ना। लेट अस इमेजिन ए सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया। सपोज मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया ले रहा हूँ ऐसे, सपोज मैं यहां से एक सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एरिया कितना है सिलेंडर का, चलो मानते हैं कि एरिया ए है, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है और सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है जिसका डेप्थ एच है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट अस कंसीडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एस वन मतलब सिलेंडर का हाइट h है, एरिया इसका a है। मैं लंबा लंबा चौड़ा नोट्स नहीं देने वाला, देख के समझ में आ रहा है। a इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस, h इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वो सब नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ रहा है। एस वन लिख दिया तो सब कुछ देखने से समझ में आ रहा है। अब हम बात करें स्टैटिक फ्लूइड का। सोचो ये जो फ्लूइड है यहां पे, इनका भी तो कुछ अपना वेट है भाई, तो ये गिर क्यों नहीं रहे? गिरना तो चाहिए, क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि यहां पे उनको कुछ सपोर्टिंग फोर्स मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा? जितना इनका वेट है ना, जितना इनका वेट है कि नहीं। तो हम कहेंगे मास ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर कितना है? इनसाइड द सिलेंडर कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी होता है मास इनटू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी होता है मास इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज रो गिवन, फिगर में दिखाया गया। वॉल्यूम क्या, कोई बताएगा मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? एरिया ए है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए इनटू एच, दिस इज द मास ऑफ द सिलेंडर। एफ फोर्स ऑन बेस ऑफ सिलेंडर, फोर्स ऑन बेस ऑफ सिलेंडर कितना है mg? इसका वेट, बिकॉज ये रेस्ट में है ना। अगर मूव करता होता, मान लो ये बीकर अभी कोई लिफ्ट के अंदर होते हुए नीचे जाता होता, तो क्या हम कहते हैं ये रेस्ट में? नहीं, तब कुछ दूसरा हो जाता, लेकिन अभी तो ये रेस्ट में। बाद में ये पार्ट को भी हम लोग को कंसिडरेशन में लेना है, जिसमें बताया हूँ कि मैं पहले आपको ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, उसका हायर वर्जन पढ़ाऊंगा, ताकि लास्ट ईयर भी जो लोग पढ़े थे उनको भी बोर नहीं लगेगा, क्योंकि काफी कुछ चाहिए नया समझने के लिए आ जाएगा। तो अब हम लोग सारा चीज पढ़े थे, लेकिन क्लास 11 का फुल कोर्स को कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि काफी कुछ चीजें तब मालूम नहीं था। अभी आपको जो जो चाहिए पूरा चैप्टर को समझने के लिए सारा जानकारी है, न्यूटन्स लॉ वगैरह आता है, तो हम लोग इसको पूरा डेप्थ में क्लास 11 जे लेवल तक पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ध्यान रहे कि ये फोर्स ऑन द बेस इज mg, हाँ तो फिर प्रेशर कितना होगा? mg by a, प्रेशर एट बेस इज इक्वल टू mg by a। m का वैल्यू क्या था? रो a h इंटू g by a, क्या हो गया? रो g h, a कैंसिल हो गया। So what you find? The pressure at a depth h is equal to rho g h, where rho is what? Rho is the density of the fluid. क्या ये बात आपको समझ में है? Yes. जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर की तरफ आओगे प्रेशर घटते जाएगा। एट द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कितना होगा? जीरो।
क्योंकि फ्री सरफेस मतलब एच तो जीरो हो गया, प्रेशर हो जाएगा जीरो। अच्छा, कोई लिक्विड में एच डेप्थ में प्रेशर ऑन अर्थ विल बी मोर, कि इसको ले जाएंगे मून पे, तो मून पे होगा प्रेशर ज्यादा, अर्थ में ज्यादा होगा, क्योंकि मून पे जी का वैल्यू कम हो जाता है, जी का वैल्यू जी बाई सिक्स हो जाता है, अर्थ में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, मून पे होता है जी बाई सिक्स, तो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे जितना होता है उसको वन बाई सिक्स पर। तो बेसिक फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, बेसिक फॉर्मूला क्या आया, कंक्लूजन स्टेटमेंट, एट ए डेप्थ, एट ए डेप्थ एच बिलो, आपकी बुक में जब ये डेफिनेशन लिख रहा होगा ना, उसमें फ्री सरफेस ये सब चीजों को यूज नहीं कर रहा होगा, बट वो सब का जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं क्या सिग्निफिकेंस है। एट ए डेप्थ एच बिलो दी फ्री सरफेस दी प्रेशर और गॉस प्रेशर, दी गॉस प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड और ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज गिवन बाय, इतना हुआ, फिर भी हम लोग देख लिए प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे मैं पूछूंगा व्हाट हाइट ऑफ वाटर विल गिव यू ए प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जस्ट खाली फॉर्मूला समझ में आएंगे नहीं, आया कि नहीं आया देखने के लिए, कहेंगे एट व्हाट डेप्थ दी प्रेशर ड्यू टू वाटर, प्रेशर ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू, आप लोग हड़बड़ी में सारा चीज लिखने की कोशिश करोगे सारा फंडामेंटल मिस कर जाओगे। आई गिव यू द पीडीएफ, आई गिव यू द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब जब मैं न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं तो उसको कैलकुलेट करके बताना, इफ आई वेट फॉर यू टू नोट डाउन एवरीथिंग क्लास विल बी लेंथी, ओके। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, एट व्हाट डेप्थ द प्रेशर ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना है उसके बराबर होगा। अच्छा अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, चलिए इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कितना डेप्थ में वाटर के चलते प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर की बराबर होता है, सॉल्यूशन यस यस यस, देखो लोग कर लिए कितना जल्दी, हम कहेंगे यस यस यस, रो जी एच विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर सब कुछ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, मतलब एमकेएस यूनिट सिस्टम में, तो यहाँ पर सब कुछ हमें एमकेएस में लेना है, एमकेएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लेंगे हम, CGS में होता है 1 ग्राम पर सीसी, MKS में होगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब, है ना, इट इज 1000, जी का वैल्यू MKS में 10 इंटू एच इज इक्वल टू 10 पावर 5, मतलब एच इज इक्वल टू 10 मीटर, देखो आप लोग समझ में आ गया। तो गॉस प्रेशर के बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास हो गया, छोटी मोटी जानकारी, अब इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए लेट अस सी डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू गॉस प्रेशर। पहला, वी वांट टू सी अबाउट फैक्ट्स रिलेटेड टू गॉस प्रेशर, ठीक है। पहला, इन द एक्सप्रेशन ऑफ, इन द एक्सप्रेशन ऑफ पी इज इक्वल टू रो जी एच, रो क्या है, जी क्या है, एच क्या आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिखना चाहता हूं, एच इज हाइट ऑफ फ्री सरफेस above the point of concern,
जिस पॉइंट में हम गॉस प्रेशर निकालना चाहते हैं वहां से फ्री सरफेस का हाइट, फ्री सरफेस का हाइट इज कॉल्ड दी वैल्यू एच। समझ में आया? थ्रू एग्जांपल्स में समझाऊं। पहला एग्जांपल हुआ कि सपोजिंग हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी रखा हुआ, कोई एक लिक्विड रखा हुआ, लेट मी गो फॉर ए बेस, चलो ये हो गया बेस, ठीक है। ये बेस पे हम कहेंगे यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या हुआ है, टेस्ट ट्यूब में क्या है कि कुछ पानी रखा हुआ है। आई कंसिडर ए कंटेनर लाइक दिस, इसमें भी पानी उसी हाइट तक रखा हुआ है, यहां पे मैं कुछ ये लेना चाहता हूं, ये है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इन ईच केस, तो इस केस में लिक्विड यहां तक, इस केस में भी लिक्विड यहां तक है, कोई तीसरे केस में मैं कोई एक कंटेनर लेता हूं ऐसा शेप का, ऐसा शेप का सिलिंड्रिकल ले लिया, इसमें भी लिक्विड यहां तक है, तो आप कहोगे अगर हर केस में लिक्विड का हाइट आपको बराबर एच दिख रहा है तो प्रेशर बेस पे कितना होगा, गॉज प्रेशर। अगर ये पॉइंट को ए कहेंगे, ये पॉइंट को बी कहेंगे, ये पॉइंट को सी कहेंगे, तीनों केस में सेम लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, तो आप कहोगे तीनों केस में प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द पॉइंट ऑफ कंसर्न, ये मत सोचने कि ज्यादा पानी है ज्यादा प्रेशर होगा, नो, द प्रेशर ए इज रो जी एच, प्रेशर एट बी इज रो जी एच, प्रेशर एट सी इज रो जी एच, तीनों केस में प्रेशर बराबर है। इट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ फ्री सरफेस। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? yes, yes. दूसरा यहां पे इंपोर्टेंट टर्म में यूज किया हूं फ्री सरफेस, ठीक है, और यहां पे थोड़ा सा मैं इसको और भी क्लैरिटी के साथ लिखना चाहूंगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रीराइट माय स्टेटमेंट। आई विल राइट एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, यहां पे मैं इंपोर्टेंस देना चाहता हूं वर्टिकल हाइट को। जैसे आई गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, मैं हर छोटी मोटी चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, दे मे यू मे बी हैविंग मिसकंसेप्शंस इन दैट। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक टेस्ट ट्यूब है ऐसा शेप का और ये हो गया बेस, यहां पे कोई दूसरा टेस्ट ट्यूब है कोई ऐसा शेप का, सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई दूसरा टेस्ट ट्यूब है ऐसा शेप का, ठीक है, और दिया यूं है कि दोनों ही केस में सेम लिक्विड रखा हुआ है अप टू सेम हाइट रखा हुआ है, मतलब यहां पे जो लिक्विड रखा हुआ है ये लिक्विड का डेंसिटी रो है तो इसका भी डेंसिटी रो है, जबकि इसमें लेंथ ऑफ लिक्विड इज लेस, इसमें लेंथ ऑफ लिक्विड इज मोर, बट हाउएवर व्हाट इज एच, एच इज द वर्टिकल हाइट। आपको क्या देखना है, वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड, समझ में आ रहा है? ये मत देख लेना कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लिक्विड टू फाइंड द प्रेशर, लुक एट द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस, यहां पर ये है फ्री सरफेस, यहां पर ये है फ्री सरफेस, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस इज लुकिंग सेम, तो आप कहोगे पॉइंट ए में पॉइंट बी में अगर आपको प्रेशर पूछा गया तो कहोगे पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू रो जी एच। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? इट डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस, वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस। आई वुड लाइक टू रिपीट वन मोर एग्जांपल, आपको बताना है आंसर। सपोज हमारे पास कोई एक लिक्विड कंटेनर है ऐसा शेप का और इसमें लिक्विड ऐसे रखा हुआ है, दिया है कि ये लेंथ कितना है, सॉरी ये लेंथ दिया हुआ है, दिस लेंथ इज गिवन टू बी समथिंग लाइक एल, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये लिक्विड है यहाँ पे जिसका डेंसिटी रो है, डेंसिटी इज रो, पूछा है गॉस प्रेशर एट ए, गॉस प्रेशर एट ए, तो आप कहोगे गॉस प्रेशर एट ए इज
यहाँ व्हाट इज एच, एच इज द वर्टिकल हाइट, ध्यान रहे एच इज द वर्टिकल हाइट, ये है एच, ठीक है ये है एच, गड़बड़ मत कर देना, डोंट टेक एल टेक एच, इट इज रोजी एच, व्हाट इज एच, एच इज अगर एल हुआ ये थीटा हुआ तो ये हो गया एल साइन थीटा, तो ये प्रेशर क्या हो गया रो जी एल साइन थीटा, समझ में आया क्या? ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, वन मोर एग्जांपल, सपोजिंग हम कहेंगे नाउ आई एम गिविंग इंपोर्टेंस ऑन फ्री सरफेस, सपोज हमारे पास कोई एक ट्यूब है वो जो दिखने में कुछ ऐसा सेप का है, ये खुला ये फेस क्या है, दिस फेस इज सील्ड, मतलब इधर से बंद है और इसमें लिक्विड ये रखा गया है, ठीक है ये लिक्विड ये रखा गया है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है और आप जानते हो कि इधर से ये सील हो गया है तो लिक्विड नहीं निकलेगा, अगर खुला रहता तो लिक्विड निकल जाता, नहीं निकलेगा। मुझे दिया गया है पॉइंट ए में प्रेशर पता करना है, डेंसिटी दिया है रो, ये हाइट दिया है एच वन और ये हाइट दिया है एच टू, ठीक है ये हाइट दिया है एच टू, और आई वुड लाइक टू मेक अ लिटिल चेंज इन दिस डायग्राम, I will say this distance is given H2. ध्यान से देखो फिगर को, मुझे गॉस प्रेशर एट A चाहिए, I want to find out गॉस प्रेशर एट A, तो हम कहेंगे गॉस प्रेशर एट A is equal to rho g H, H क्या है vertical height of, vertical height of फ्री सरफेस, तो देखो तो ये लिक्विड का दो सरफेस है, यहां पे एक सरफेस होगा और यहां पे एक सरफेस होगा, ये सरफेस तो फ्री है एयर के साथ कांटेक्ट में, लेकिन ये तो सील है, क्या ये वाला सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में है, नहीं है, ये फ्री सरफेस नहीं है, दिस इज व्हाट इज ए फ्री सरफेस, समझ में आया क्या? तो आपको फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट देखना है कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न, यहां से वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस कितना हो जाएगा h1, यहां से यहां तक h1 है और यहां से यहां तक h2 है, h1 plus h2, तो h का वैल्यू क्या ले लेंगे h1 plus, are you getting, don't say it is rho g h1 is the pressure here, no because this is not a free surface, दो चीजों पे मैं इंपोर्टेंस दे रहा हूं, पहला क्या हुआ, पहला हुआ कि इट इज वर्टिकल हाइट एंड दैट ऑफ फ्री सरफेस, वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस गिव्स यू दी गॉस प्रेशर, अच्छा ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं आगे और बढ़ाता हूं दिखाने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। वन मोर एग्जांपल ऑन द सेम पॉइंट, सपोजिंग हम कहेंगे कोई एक लिक्विड कंटेनर है, ये लिक्विड कंटेनर है, हाँ ये लिक्विड कंटेनर में कुछ लिक्विड था, अब इसको मान लो कि राइट की तरफ एक्सीलरेट करवाया गया, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है, अब तब जेई एडवांस में क्या होता था कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता था, आईआईटी स्क्रीनिंग, उसमें क्वालिफाई करने से ही आपको एडवांस वाला कॉपी वो लोग करेक्शन करते थे, जैसे अभी जेई मेन होता है वैसे, तो ये क्वेश्चन उसमें आया था, अब बता दोगे तो मुझे बेहद खुशी होगा, ए container of liquid is accelerated to right as shown, choose correct figure, मैं आपको correct figure पूछने के लिए पूछ रहा हूं, बताओ कौन सा फिगर करेक्ट है, द लिक्विड इन द कंटेनर विल रिमेन एज इट इज, द लिक्विड इन द कंटेनर विल बी लाइक दिस, द लिक्विड इन द कंटेनर विल बी लाइक दिस, आपको क्या लग रहा है शेप ऑफ द लिक्विड कैसे हो जाएगा कंटेनर में ए बी सी में से, ऑब्वियस है क्योंकि सारा लिक्विड के ऊपर शूडो फोर्स पीछे की तरफ आएगा, व्हेनेवर ए मास m एक्सीलरेट्स एट रेट a इट एक्सपीरियंसेस ए शूडो फोर्स ma, सारे लिक्विड इधर को ढकेलेंगे तो इधर चढ़ जाएगा इधर उतर जाएगा, तो करेक्ट आंसर हुआ ये,
लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन ये नहीं था, मकसद ये नहीं था बताना। मकसद ये है कि इस केस में अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, गॉस प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, तो हमें कौन सा हाइट को लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए ये हाइट को या फिर ये हाइट को, कौन सा हाइट को कंसीडर करना चाहिए, हमें कंसीडर करना चाहिए H1 और H2, आपको होगी गॉस प्रेशर H2. आप लोगों को बढ़िया पकड़ने आ रहा है, गॉस प्रेशर एट ए क्या हो जाएगा, इज रो जी वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, फ्री सरफेस ये है भाई, इसका वर्टिकल हाइट कितना है H2, सो राइट रो जी H2। क्या मेरी बात सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Now let us see the next fact, very important fact. The gauss pressure, the gauss pressure at any point is due to the weight of the fluid, weight of liquid, ठीक है, fluid को, liquid को क्यों हो रहा है? Because of the weight हो रहा है ना, weight के चलते दबाने की कोशिश कर रहा है, so it changes with variation of, it changes with variation of जी का वेरिएशन होगा तो ये भी बदलने लगेगा। हाँ सारे तो सिंपल सा है, क्योंकि जी तो है उसका एक्सप्लेनेशन में, उसका एक्सप्रेशन में जी है तो फिर जी बदलेगा, तो ये बदलेगा, समझ में तो आ रहा है? हाँ समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं इसके साथ, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है, दिस इज व्हाट इज ए लिक्विड कंटेनर, और ये कोई लिक्विड है, इसका डेप्थ दिया है h, है ना, और इसका डेंसिटी दिया है रो, और लिक्विड रेस्ट में है, ये कैसा है, ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, तो इस केस में पॉइंट a में प्रेशर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि रो जी h हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो रो जी h होता ही है, हमें मालूम है। सपोज आई चेंज द केस, सपोज सेम लिक्विड कंटेनर इज नाउ सेम लिक्विड, पॉइंट ए में प्रेशर पता करना है, एंड दिस इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ए। नाउ थिंक, कोई मास एम अगर कहीं रखा है वेइंग मशीन पे, क्या रीडिंग देता है एमजी, ये नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये वेइंग मशीन के ऊपर बैठा हुआ नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो एमजी तो नीचे आएगा, ऊपर की तरफ एक स्यूडो फोर्स भी आएगा कि नहीं आएगा, तो वेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा वेट, mg माइनस ma, मतलब g के जगह क्या आ रहा है, g माइनस a, समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो इस केस में बताइए गॉस प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एट a विल बी रो g माइनस a इनटू h। अच्छा यहाँ a हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बाद में फ्यूज हो जाओगे, तो इसको b कर देते हैं, इट इज कमिंग आउट b मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम कहेंगे रो जी माइनस बी, ये कुछ एक्सीलरेशन में नीचे आ रहा था, तो क्या हो गया रो जी माइनस बी। सिमिलरली अगर ये कंटेनर ऊपर जाता होता विद एन एक्सीलरेशन बी, तो हमारा एक्सप्रेशन प्रेशर का क्या होता, रो जी प्लस बी इनटू एच, समझ में आ गया। अब सपोज आई रिपीट द सेम फिगर अगेन, and now I say the container of liquid is under free fall, गिर रहा है, कैसा है, free fall में है, ये free fall में है, depth कितना है h, density rho, point a में pressure, क्या आप बता सकते हो कि gauss pressure at a क्या होगा during free fall, weight of a body is zero, a body feels weightless, क्योंकि free fall में जब आ रहा है mg नीचे की तरफ है, MA, मतलब MG ऊपर की तरफ है, A भी तो G के बराबर है, तो नेट वेट क्या हो जाता है, फ्री फॉल में जीरो हो जाता है, तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द गॉस प्रेशर हियर, गॉस प्रेशर हियर इज जीरो, सो व्हेन अ लिक्विड इज अंडर फ्री फॉल, रिमेंबर आई एम नॉट राइटिंग प्रेशर, आई एम राइटिंग गॉस प्रेशर,
प्रेशर एंड ग्रॉस प्रेशर आर टू डिफरेंट थिंग्स. रिमेंबर हियर आई एम राइटिंग द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ओनली. एटमॉस्फेयर के चलते कुछ प्रेशर है वो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ग्रॉस प्रेशर. और प्रेशर निकालने की कहा जाएगा तो बात अलग है. कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इज नॉट जीरो, गॉज प्रेशर इज जीरो. तो प्रेशर क्या है देखेंगे थोड़ी देर में, सबर करो. क्या ये फैक्ट टू सबको समझ में आया विथ वेरिएशन ऑफ जी, दिस इज चेंज, है ना. चलिए अब देखते हैं फैक्ट नंबर थ्री. प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी द नेट प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ऑर्डिनरी सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल फ्लूइड्स सारे फ्लूइड के चलते जो प्रेशर होगा. एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, कहीं भी अगर प्रेशर निकालना है तो जो जो फ्लूइड है सबके लिए प्रेशर निकाल के ऑर्डिनरली ऐड कर दो, ठीक है. जस्ट ऐड देम ऑर्डिनरली. जैसे मैं कहूं कि यहां पे कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे कोई एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो वन है, हाइट कितना, हाइट एच वन है, और यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड है इसका हाइट कितना, एच टू है, डेंसिटी कितना, रो टू है, और ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ ही रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, तो आप कहोगे गॉज प्रेशर एट ए इज इक्वल टू इसके लिए प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबको जोड़ दो. समझ में आ रहा है क्या हम बात कर रहे हैं, गॉस प्रेशर ये दोनों के लिए जोड़ेंगे और नेट प्रेशर कहेंगे. क्यों गॉस प्रेशर लिखेंगे, हम लिखेंगे नेट प्रेशर, टोटल प्रेशर. नेट प्रेशर मींस टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए, तो इसके लिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको जोड़ दो. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, नेट प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये लिक्विड के लिए क्या प्रेशर है, रो वन जी एच वन प्लस ये लिक्विड के लिए क्या प्रेशर है, रो टू जी एच टू. सारे का प्रेशर को जोड़ो तो टोटल प्रेशर मिलेगा, नेट प्रेशर मिलेगा. नेट प्रेशर इज ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स. समझ में आया क्या, है ना, ये आपको समझ में आ गया. देखो मैं अभी फैक्ट्स गिना रहा हूं आपको, एक एक करके फैक्ट समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल तो करेंगे हम लोग, तब ये सारा फैक्ट को आपको यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है. सारा चीजें आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी जाके हम न्यूमेरिकल ढंग से कर पाएंगे. तो फैक्ट नंबर थ्री भी आपको समझ में आ गया. फैक्ट नंबर फोर, क्या कह रहा है फैक्ट नंबर फोर कह रहा है कि फॉर ए होमोजेनियस फ्लूइड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर रिमेन सेम. लिखेंगे फॉर ए होमोजेनियस फ्लूइड, होमोजेनियस एंड कंटिन्यूअस फ्लूइड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम. कंटिन्यूअस फ्लूइड है हर जगह प्रेशर बराबर होगा, कहां पे एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, कंटिन्यूअस होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहां पे कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिक्विड है, और पता चला कि यहाँ पे कोई एक सॉलिड यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, सॉलिड टेढ़ा हो गया, सॉलिड घुमाओ खुद बनाएंगे, सॉलिड यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, अरे भुजा, हाँ ये सॉलिड यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, एक सॉलिड यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, आप क्लियरली देख रहे हो कि एक सॉलिड इस फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है. आपको अगर कोई पूछेगा कि बताओ
प्रेशर ए पॉइंट में ज्यादा है कि बी पॉइंट में ज्यादा है, ये मत सोचना कि ये सॉलिड है इसके लिए यहाँ पर ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए प्रेशर कम आ रहा होगा, क्योंकि दे आर एट द सेम हाइट लेवल द प्रेशर हैज टू बी सेम। तो आप कहोगे हियर प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्या मेरी बात सबको हजम हो रहा है? Yes, sir. Yes. दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर देखोगे इसके ऊपर कितना खूंखार क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सपोजिंग सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक वर्टिकल यूट्यूब है, ऐसा सेब का वर्टिकल यूट्यूब है। यूट्यूब तो आप जानते हो? हाँ, यूट्यूब को नहीं जानते है सर, यूट्यूब हम लोग सब जानते हैं, नहीं वो वाला नहीं, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, सपोज हम कहेंगे कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लिक्विड ऐसे यहाँ तक ऐसे रखा हुआ था, सपोज कुछ लिक्विड यहाँ पे था। मैं क्या करता हूँ, इधर से एक तरफ से मान लो ऑयल डाल देता हूँ, मान लो ये वाटर था, ये वाटर था, इधर से मैं ऑयल डाल दिया। जैसे मैं ऑयल डाल दिया तो ऑयल तो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो पूरा का पूरा ऑयल यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा तो इसका अपना कुछ वेट होगा, वेट होगा तो ये वाला लेवल को नीचे ढकेल देगा, तो व्हाट विल फाइंड, दिस लेवल विल गो डाउन एंड दिस लेवल विल गो अप, है कि नहीं? अब क्या दिखेगा आपको, दिखेगा ये कि यहां तक क्या है, दिस इज व्हाट इज ऑयल, दिस इज ऑयल, ये हो गया ऑयल है ना, ये हो गया वाटर। अब आप देखोगे इसमें प्रेशर एट दिस पॉइंट एट ए एंड प्रेशर एट बी, यू सी बोथ ऑफ देम आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके बावजूद प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी विल नॉट बी सेम। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट ए होमोजेनियस लिक्विड, ए का लिक्विड बी का लिक्विड अलग अलग है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे इस दिस फिगर सोन, आप कहोगे प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट बी। चमका कि नहीं चमका, समझ में आ रहा है? बिकॉज द लिक्विड हैज टू बी होमोजेनियस एंड कंटिन्यूअस, हियर इट इज ऑयल हियर इट इज वाटर, देयर आर टू डिफरेंट लिक्विड्स। हाउएवर अगर मैं यहां का एक पॉइंट को कहता हूं सी और यहां का एक पॉइंट को कहता हूं डी और ये दोनों भी मान लो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो आप कहोगे क्या कहोगे, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी बिकॉज दे आर इन द होमोजेनियस लिक्विड। सी का प्रेशर डी का प्रेशर बराबर होगा, ए का प्रेशर बी का प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में होते हुए भी बराबर नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. देख लो आपको कितने सारे चीज धीरे धीरे समझ में आने लगा, प्रेशर द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट, हाँ तो बात कर रहे थे कि फैक्ट नंबर कितना, फोर्थ फैक्ट नंबर फाइव, फैक्ट नंबर फाइव फैक्ट नंबर फाइव में हम देख रहे हैं कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो आप कहोगे फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, सिंपल सा चीज है, इससे ये इंप्लाई कर रहा है कि फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। किसी जगह अगर आपको प्रेशर मालूम है एरिया मल्टीप्लाई कर दो आपको फोर्स मिल जाएगा। लेकिन सोचो कि अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड है, ये कंटेनर ऑफ लिक्विड है, मान लो कि ये मान लो कि चलो थोड़ा इसको रेक्टेंगुलर शेप का ले लेते हैं ताकि आपको इजीली विजुअलाइज कर पाओगे आप। हाँ तो चलो मानते हैं कि ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है जो दिखने में ऐसा है, ये कंटेनर ऑफ लिक्विड है और ये ऐसा है और ये ऐसा है, क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, ठीक है मैं इसको थोड़ा सॉलिड कर देता हूँ, शायद आप विजुअलाइज कर पाओगे। ये ड्रम है, ये बेस है इसका, दिस इज द बेस ऑफ द ड्रम,
ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, सपोज क्योंकि फिगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर क्या खाक बताओगे, फिगर तो समझ में आना बहुत जरूरी है। सपोज हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा है, ये कोई एक ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम का चलो मानते हैं ऐसे बनाते हैं इसको, इसमें ये ड्रम कहाँ गया, ड्रम को थोड़ा मोटे कर देते हैं, मोटा वाला ड्रम, यस, और इसका कलर को भी थोड़ा ये वेस्ट कर देते हैं, हाँ ये ड्रम है। अब हुआ यूं है कि ये ड्रम का हुआ यूं है कि ये है उसका दूसरा साइड में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, यस, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ड्रॉ है, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ है, हुआ यूं है कि इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है, कुछ लिक्विड रखा हुआ है, कहां हाइट तक, मान लो ये हाइट तक लिक्विड रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब अगर कोई आपको पूछेगा बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस, कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द फोर्स ऑन द बेस, तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, यू विल फाइंड आउट द प्रेशर ऑन द बेस एंड एरिया ऑफ द बेस, क्योंकि हर जगह प्रेशर बराबर मिलेगा। चलो मानते हैं कि ये जो ड्रम की बात कर रहे हैं, इसका ये जो बेस है, ये बेस है, इसका एरिया ए है, सपोज मानते हैं कि इसका एरिया ए, दिस एरिया इज ए, और ये लिक्विड जो रखा हुआ है इसका हाइट कितना है, हाइट है एच, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इज रो, ध्यान रखना। अगर हमें पूछा गया फोर्स ऑन बेस ऑफ टैंक, टैंक का बेस में फोर्स क्या आएगा, अच्छा बेस में हर जगह प्रेशर तो बराबर होगा, कितना होगा, इट इज प्रेशर इनटू एरिया, और बेस में प्रेशर कितना है, रो जी एच इनटू एरिया, सिंपल है, हर जगह प्रेशर रो जी एच है और एरिया ए है, प्रेशर हो गया ये। सपोज कोई पूछेगा और मान लो कि ये जो एरिया ए है इसका मान लो कि ये वाला एरिया कुछ दूसरा है, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया को ले दिए ए वन, चलो ए वन हो गया। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे जो दूसरा एरिया आपको साइड में दिख रहा है कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कुछ दूसरा है, सपोज ये एरिया कुछ दूसरा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ लिक्विड इन दिस कंटेनर। सपोज हम कहेंगे ये वाला एरिया है ए टू, समझ में आ रहा है क्या, साइड वाल, फोर्स ऑन द साइड वाल, क्या मेरी फिगर आपको ठीक से समझ में आ रहा है, यस सर, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन साइड वाल, फोर्स ऑन साइड वाल, ये कैसे निकालेंगे, क्या हम प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं, क्या हर जगह प्रेशर बराबर है, यहाँ पे तो प्रेशर जीरो था, धीरे धीरे नीचे जाओ तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, है ना, ऐसा केस में हम फोर्स कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सरफेस, उसको निकालने के लिए वी नीड इंटीग्रेशन, लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, तो आप कैसे करोगे, यू विल फाइंड इट इज मीन प्रेशर इनटू एरिया ए2, मीन प्रेशर मींस प्रेशर एट पॉइंट, चलो मानते हैं सी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी, दोनों का प्रेशर निकालो और जोड़ो, इट इज पी एट सी प्लस पी एट डी बाय 2, हो गया मीन प्रेशर इनटू एरिया ए2, समझ में आया क्या, यहां पे क्या प्रेशर था, जीरो, ये तो सरफेस में था, यहां पे क्या प्रेशर था, रो जी एच, है कि नहीं, तो हम कहेंगे इट इज जीरो प्लस रो जी एच बाय 2 इनटू ए2, याद रखना ये माइनर क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया था, इट इज मीन प्रेशर इनटू एरिया, तो इस लिक्विड के लिए साइड वाल में क्या फोर्स आएगा, याद रखना मीन प्रेशर इनटू एरिया, मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर बाय 2, sum of minimum pressure and maximum pressure by 2 into area gives you the mean pressure, क्योंकि pressure यहाँ पे linearly vary कर रहा है, h के साथ linearly vary कर रहा है, linearly vary करने से हम लोग इसे average लेके काम निकाल सकते हैं, क्या मेरी बात आपको समझ में आया, समझ में आया क्या, yes, समझ में आया कि नहीं आया मैं नहीं पूछूंगा, मैं आपको कहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया। क्वेश्चन देखो क्या, ए टैंक ऑफ, ए टैंक हैज स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस ऑफ साइड लेंथ,
What height? A liquid or any liquid, I'll write any liquid, कोई भी liquid इसमें डालो, any liquid is to be filled such that the force due to the liquid, force due to liquid on base of tank is equal to force on sidewall, on each sidewall. Either I'll write force on each sidewall. Force on each sidewall. हर एक sidewall पे जितना force आएगा, base पे भी उतना ही force आएगा. ध्यान से देखना. अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो तो ये सब चीजों को आपको हजम करना चाहिए. Now you know the process. Base पे जितना force आएगा, sidewall पे उतना ही force आएगा. कितना height तक हमें liquid भरना चाहिए tank में? ध्यान से देखो और previous theory आपके सामने काम में लगाओ. यहाँ पे जितना force आएगा, base पे उतना ही force आएगा. दिया है side length L है. क्या दिया है? Tank का base square base है. Side length L है. H कितना होना चाहिए? कि हर एक side wall पे जितना force आएगा, base पे उतना ही force आएगा. क्या आप लोग इस question का answer बना सकते हो? Try it now. इस क्वेश्चन का आंसर को आपको YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में देना है और देखना है कितना आप कर सकते हो सही. तो आज हम लोग को जो करना था कर लिया. टाइम इज फ्लाइंग. नेक्स्ट क्लास वी शैल मीट अगेन. तब तक के लिए जय हिंद. गिव द आंसर इन द चैनल YouTube चैनल. थैंक यू सर.